नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा में 86 जवान जख्मी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 86 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें, LNJP अस्पताल की CMO से मिली जानकारी के मुताबिक 11 पुलिसकर्मी जो अस्पताल लाए गए थे, उन्हें अलग अलग जगहों पर चोट लगी थी। उन्होंने बताया कि 11 में से 2 पुलिसकर्मी को लाठी से सिर में चोट लगने के चलते अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में रखा गया है। इससे पहले पुलिस ने कहा था कि हमारे जवानों ने रैली की शर्तों के अनुपालन के लिए सभी प्रयास किए, लेकिन प्रदर्शनकर्मियों ने निर्धारित समय से काफ़ी पहले ही अपनी मार्च शुरू कर दिया और सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान पहुँचाया है। मौसम विभाग के अनुसार 27 जनवरी को कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। बता दें, न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान सामान्य ही बने रहेंगे। 28 जनवरी से मौसम में परिवर्तन होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 28 और 29 को तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होगी। इस दौरान हल्की फुहार भी बरस सकती है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार 27 जनवरी की सुबह कोहरा छाया रहेगा, बाद में दिन चढ़ने के साथ धूप खिलेगी, वहीं शाम में ठंड बरकरार रहेगी। 28 और 29 जनवरी को ठंड में थोड़ी कमी आ सकती है। झारखंड में निजी क्षेत्र के 75% पद होंगे स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गणतंत्र दिवस के मौके पर उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण किया। बता दें, अपने संबोधन में उन्होंने झारखंड को लेकर कई बड़े ऐलान किए। कहा कि निजी क्षेत्र के 75% पद को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों की भावना के अनुरूप नई स्थानीयता नीति परिभाषित कर रहे हैं। झारखंड के 3 जिले में रात्रि पाठशाला। झारखंड के ग्रामीण बच्चों को पढ़ाई के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए रात्रि पाठशाला का संचालन हो रहा है। बता दें, वर्ष 2014 में रांची के उसरी गांव से शुरू हुआ अभियान राज्य के 3 जिलों में फैल गया है। रांची के अलावा गुमला और लोहरदगा जिले में 26 रात्रि पाठशाला संचालित हो रही है। इसमें 2000 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं। बता दें, रात्रि पाठशाला संचालित करने का श्रेय पूर्व IPS अधिकारी अरुण उराव और गांव के एक युवा अनिल उराव को जाता है। राजभवन में नहीं हुआ एट होम कार्यक्रम, राज्यपाल से मिले मुख्यमंत्री व विधानसभा अध्यक्ष। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजभवन के बिरसा मंडप में आयोजित होने वाला एट होम कार्यक्रम इस बार नहीं हुआ। बता दें, कोरोना के कारण यह कार्यक्रम आयोजित नहीं करने का निर्णय लिया गया था। प्रत्येक वर्ष शाम 4 बजे आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री सहित अन्य गणमान्य लोग शामिल होते थे। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तथा विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने राजभवन में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से अलग अलग मुलाकात की। यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी। रोजगार और महिला सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता, राज्यपाल। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि युवाओं को रोजगार और महिला सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, कई नई योजनाओं की शुरुआत हुई है। राज्यपाल मंगलवार को 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में अभिभाषण दे रही थी। उन्होंने कहा है कि झारखंड गठन के बाद पहली बार झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा नियमावली गठित की गई, ताकि झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली सभी परीक्षाएं पारदर्शी और निर्विवाद पूरी हो सके। रामगढ़ में कृषि, गव्य एवं मत्स्य विभाग को पहला पुरस्कार। 72वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में रामगढ़ उपायुक्त संदीप सिंह ने मंगलवार को जिला मैदान में आयोजित समारोह के दौरान झंडोत्तोलन किया। बता दें, मौके पर जिले में बेहतर कार्य करने के लिए पुलिसकर्मियों, चिकित्सकों और प्रशासनिक पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान 10 अलग अलग विभागों की ओर से झांकियां निकाली गई। इसमें कृषि, गव्य एवं मत्स्य विभाग के द्वारा निकाली गई आकर्षक झांकी को पहला पुरस्कार मिला। बता दें, इसी तरह स्वास्थ्य विभाग की झांकी को दूसरा तथा शिक्षा विभाग की झांकी को तीसरा पुरस्कार मिला। झारखंड में अब तक 54% लोगों को लगा टीका। राज्य में सोमवार को टीकाकरण केंद्र की संख्या बढ़ाई गई, जिससे टीकाकरण की रफ्तार में थोड़ी तेजी आई। बता दें, लक्ष्य के विरुद्ध 54% स्वास्थ्य कर्मियों के ही टीका लग सके हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में सोमवार को 69 केंद्र पर कुल 3616 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण हुआ। लक्ष्य 6740 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने का था। बता दें, अभियान के तहत 6 दिनों में अब तक 18422 लोगों को टीका लग चुका है। झारखंड में 65 नए मरीज मिले हैं, जो रांची से 53, बोकारो से 2, धनबाद से 2, पूर्वी सिंहभूम से 5, सिमडेगा से 3 मरीज मिले हैं।
झारखंड में कुल मौत की संख्या 1064 है, वहीं एक्टिव केस 772 है। भारत में 11526 नए मरीज मिले हैं। भारत में कुल मौत की संख्या 153724 है, वहीं भारत में कुल एक्टिव केस 174193 है। झारखंड के 5 जिलों को सौर ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करेगी कोल इंडिया। कोल इंडिया वर्ष 2021 में गैर कोयला क्षेत्रों में उतरने की तैयारी कर रही है। बता दें, झारखंड के कुछ इलाकों को सोलर एनर्जी केंद्र के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। कंपनी पूरे देश में सौर ऊर्जा परियोजना पर करीब 12,000 करोड़ का निवेश करने वाली है। बता दें, राज्य में देवघर, दुमका, खूंटी, सरायकेला और पश्चिमी सिंहभूम जैसे जिलों को सौर ऊर्जा केंद्र की स्थापना पर विचार किया जा रहा है। कोल इंडिया के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल ने अपने रांची दौरे के क्रम में कंपनी के अलग अलग इकाइयों को इस दिशा में विस्तृत कार्य योजना बनाने का टास्क दिया। अब किसी भी स्कीम में 100% राशि खर्च कर सकेंगे। राज्य सरकार ने किसी भी योजना में अधिकतम 75% राशि खर्च करने की सीमा को अब समाप्त कर दिया है। इस प्रकार विभिन्न विभाग योजनाओं के अधिकतम राशि का उपयोग कर सकेंगे। ज्ञात हो कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने योजनाओं पर व्यय करने में कई पाबंदियां लगाई थी, जिसे धीरे धीरे हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बता दें, वित्त विभाग ने सभी विभाग अध्यक्ष को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। किसानों के समर्थन में जमशेदपुर धनबाद में ट्रैक्टर परेड। किसानों के समर्थन में झारखंड के कई जिलों में भी ट्रैक्टर परेड निकाली गई। बता दें, जमशेदपुर में किसान आंदोलन एकजुटता मंच की ओर से शांतिपूर्ण और ऐतिहासिक रैली में जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद रूट बदला गया। बता दें, DC सूरज कुमार ने ट्रैक्टर रैली के नगर भ्रमण की अनुमति नहीं दी। पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गणतंत्र दिवस समारोह खूंटी। खूंटी जिले में 72वां गणतंत्र दिवस पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बता दें, विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा, विधायक कोंचे मुंडा, उपायुक्त शशि रंजन, पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर सहित कई गणमान्य लोगों ने राष्ट्रध्वज फहराया और तिरंगे को सलामी देकर राष्ट्रगान गाकर देश के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने नेताजी चौक और खोटी कल में झंडोत्तोलन किया। धनबाद DC ने रणधीर वर्मा स्टेडियम में किया झंडोत्तोलन। गणतंत्र दिवस के अवसर पर रणधीर वर्मा स्टेडियम में DC उमाशंकर सिंह ने झंडोत्तोलन किया। बता दें, आयोजित मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए DC ने जिले के सर्वांगीण विकास के लिए स्वास्थ्य, ई समाधान, JRDS स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र का विजन प्लान, इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम, स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम समेत विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला। उपायुक्त ने कहा कि धनबाद में कोरोना संक्रमित मरीज को बेहतर चिकित्सा प्रदान कराने के लिए 1000 बेड के डेडिकेटेड COVID-19 हॉस्पिटल खोले गए। गणतंत्र दिवस पर लोगों को किया गया पुरस्कृत पलामू। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को 72वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर के स्थानीय पुलिस लाइन स्टेडियम में आयोजित गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह में पुरस्कृत किया गया। बता दें, समारोह में मेयर अरुण शंकर, उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री शशि रंजन, पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार, उप विकास आयुक्त शेखर जमुआर, नजारत उप समाहर्ता शैलेश कुमार सिंह आदि अधिकारियों ने पुरस्कृत किया। सशक्त और विकसित झारखंड के निर्माण के लिए पूरी निष्ठा से कर रहा हूँ काम, हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के उप राजधानी दुमका में गणतंत्र दिवस पर झंडोत्तोलन के बाद अपने संबोधन में कहा कि गांव, गरीब, किसान और मजदूर भाइयों के आशीर्वाद से लगभग 1 साल पहले राज्य में एक मजबूत और जनप्रिय सरकार का गठन हुआ। राज्य के मुखिया होने के नाते मुझे आपके सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी है। सशक्त और विकसित झारखंड के निर्माण के संकल्प को लेकर मैं पूरी निष्ठा से काम कर रहा हूँ। बीते 1 वर्ष हम लोगों के लिए कठिन दौरा था। हम सब ने मिलकर वैश्विक महामारी कोरोना से डट कर मुकाबला किया और इस प्रदेश को संकट से बाहर निकाला। सूचना व जनसंपर्क विभाग की झांकी को मिला पहला पुरस्कार। रांची के मोराबादी में गणतंत्र दिवस समारोह में आकर्षक झांकियाँ निकाली गई। बता दें, इसमें एक से बढ़कर एक झांकियाँ ने लोगों का मन मोह लिया। झांकी के माध्यम से विभिन्न विभागों ने अपनी उपलब्धियां और राज्य सरकार की गौरवमय तस्वीर पेश की। परेड और झांकी को देखने के लिए लोग बड़े उत्सुक नजर आए। बता दें, इस दौरान 10 विभागों की झांकियां निकाली गई। इसमें सूचना जनसंपर्क विभाग की झांकी को पहला पुरस्कार मिला। इसमें परमवीर चक्र विजेता शहीद लायंस नायक अल्बर्ट एका के योगदान को दिखाया गया था। अनीश गुप्ता सहित 38 को पदक। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने मोराबादी मैदान में गणतंत्र दिवस पर झारखंड के IPS अनीश गुप्ता सहित 38 पुलिस
अधिकारी व पुलिस कर्मियों को पदक देकर सम्मानित किया। बता दें इनमें पुलिस वीरता पदक के लिए 2 अधिकारी जवान, राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक के लिए 1 और पुलिस सराहनीय सेवा पदक के लिए 35 अधिकारियों जवानों का चयन किया गया था। पुलिस मुख्यालय में डीजीपी ने फहराया तिरंगा। झारखंड के डीजीपी एमवी राव ने पुलिस मुख्यालय में झंडोत्तोलन किया। बता दें मौके पर डीजीपी ने कहा कि हमारे पूर्वजों का सपना था कि हमारा देश सिर्फ अंग्रेजों से ही नहीं बल्कि धर्म और जाति में फंसी संकीर्ण मानसिकता पर आज़ादी प्राप्त कर ले। सामाजिक और धार्मिक विविधताओं वाले हमारे देश का हर नागरिक सभी धर्मों का बराबर सम्मान करे। शांति और अहिंसा इस लोकतांत्रिक देश का हथियार बने। हर व्यक्ति शांतिपूर्वक और सुरक्षित जीवन व्यतीत करे। एम बी राव ने कहा कि अब ये हमारा दायित्व है कि झारखंड को समानता के साथ विकास की ओर ले जाने में हम सभी अपना अपना हर संभव सहयोग दें। झारखंड में 9 लाख किसानों के 50,000 रुपये तक के ऋण मार्च तक माफ होंगे। राज्यपाल झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने देश के 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मंगलवार को घोषणा की कि राज्य सरकार अपने वादे के अनुरूप इस वर्ष 31 मार्च तक राज्य के लगभग 9 लाख किसानों के 50,000 रुपये तक के कृषि ऋण माफ कर देगी। राज्यपाल ने गणतंत्र दिवस पर परेड की सलामी लेने के बाद अपने संबोधन में यह बात कही। बोकारो में 9 स्थानों पर फ्री वाईफाई शुरू। आपके मोबाइल के वाईफाई ऑन करते ही यदि बीएसएनएल ब्लू टाउन का सिग्नल दिखे तो समझ जाए कि आप राज्य के पहले वाईफाई सिटी में हैं और अगले 24 घंटे में आपको 500 MB का हाई स्पीड इंटरनेट मुफ्त में उपलब्ध होगा। बता दें इसी दिशा में बोकारो जिला प्रशासन द्वारा बीएसएनएल के साथ मिलकर बोकारो शहर को वाईफाई सिटी के रूप में विकसित करने हेतु आम लोगों के लिए मुफ्त वाईफाई सेवा उपलब्ध कराई गई है। बता दें हाल के दिनों में बोकारो शहर की घनी आबादी तथा प्रमुख सार्वजनिक स्थलों को वाईफाई जोन में परिवर्तित करते हुए वहां पर आम लोगों को 10 MBPS स्पीड के साथ मुफ्त में वाईफाई सेवा प्रदान की जा रही है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने झारखंड हाई कोर्ट में आधी सजा काटने का दावा करते हुए जमानत मांगी है। बता दें दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत लेने के लिए लालू प्रसाद की ओर से सजा की आधी अवधि काट लिए जाने के पूरे ब्यौरा के साथ झारखंड हाई कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल कर दिया गया है। इसमें बताया गया है कि 8 फरवरी को लालू प्रसाद की आधी सजा पूरी हो रही है। दुमका कोषागार मामले में उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई है। आधी सजा काटने पर उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। एसएससी में 6506 पदों पर भर्ती। कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से 6506 पदों पर भर्तियां की जा रही है। बता दें भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 31 जनवरी है। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी का फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आयोग की तरफ से इस संबंध में बीते दिनों अभ्यर्थियों को आगाह भी किया गया था जिसमें कहा गया था कि आयोग की तरफ से आवेदन की तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। ऐसे में छात्रों के पास सिर्फ 6 दिन का समय बचा है। ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर जल्द से जल्द आवेदन कर दे। धन्यवाद।